ये उनको पेट में जो नली लगी हुई है उनका किस ताल्लुक से, मतलब नली लगी है, ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ और कब से हुआ? क्योंकि आज से जो 3-4 दिन पहले जो नौखंडा कॉलेज में कुछ हमले की जो शिकायत दर्ज हुई बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में, तो वहाँ पर लेडीज़ पे, बच्चों पे, जेंट्स पे ऐसा हमला हुआ, वहाँ पर ऐसी FIR कुछ लोगों पे दर्ज हुई, तो उसमें से एक नाम इनका भी बताया गया, जबकि इनकी कंडीशन आप देख सकते हैं, इन्होंने बेड रेस है ये यहाँ पर। आपका पूरा नाम बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद खालिद सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी। मेरा पिछले 4 महीने से MGM हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है और मार्च के महीने में मेरा ऑपरेशन हुआ है MGM के अंदर। उसके बाद मेरे को बेड रेस्ट है, मेरे पेट के अंदर से गंदा पानी जो निकल रहा है उसके लिए नली लगाई गई है। ये नली से रोज़ मेरे को है, तो ये नली का 300 ml, 350-400 ml रोज़ पानी निकल रहा है और मेरे को बेड रेस्ट दिया गया है। मैं बेड रेस्ट होते हुए मैं कोई इसमें कहीं जाना आना नहीं, मेरे को 2 जने लगते उठाने के लिए, और ये लोगों ने मेरा FIR के अंदर नाम डाले। पुलिस प्रशासन से मेरी एक गुजारिश है कि FIR लॉन्च करने से पहले कुछ जांच करना था, मालूमात लेना था, कौन कहाँ है, किधर है, क्या है। उन्होंने जो नाम लिखा है सबके ऊपर उन्होंने FIR लॉन्च कर दिए, और इसके अंदर सबसे बड़ा शतरंज जो दिलशाद झा जो है वो है, उसके पास कोई निज़ाम ट्रस्ट के कोई राइट्स नहीं है, उसके पास ना मुकरम झा साहब के कोई राइट्स है ना कुछ है, और वो इलीगल पूरा एक्टिविटीज़ कर रहा है। यहाँ पे कोई BJP का भी कोई लीडर है बाड़ू साबड़े बोल के, वो भी उसको इलीगल कामों में सपोर्ट करता है। कौन से केस में आया आपका नाम? ये अभी जो नौखंडा कॉलेज के अंदर जो जुम्मे के दिन जो झगड़ा हुआ है ना, उसके अंदर मेरा नाम FIR के अंदर आया। अच्छा, जबकि मैं बेड रेस्ट पे हूँ, मेरे पास MGM का सर्टिफिकेट है कि मैं बेड रेस्ट के ऊपर बैठे हुआ हूँ। मेरे को 2 जने उठाने बैठाने को लग रहे, मेरे पास में पेट में नली लगी हुई है मेरे, मैं चल फिर नहीं सकता बिल्कुल। तो आपके पास में जैसा पुलिस अभी तक के आप तक पहुंची नहीं? पहुंची नहीं, घर पे आके गई पुलिस। अच्छा। मेरे एक दो बार घर पे आके गई। आपसे मुलाकात हुई पुलिस की? नहीं नहीं, मुलाकात नहीं। मैं इत्तेफाक से हॉस्पिटल चेकअप के लिए गया हुआ था। अच्छा। मेरे को हर 4-5 दिन को चेकअप को पानी बताना पड़ता हूँ। अच्छा। जाके मेरे को तो ये हर 4-5 दिन को पानी चेक करते वो फिर वापस भेजा देते, मेरे को 1-2 घंटे रखते वापस भेजा। ये ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ आपका? मेरा पेट में कुछ इन्फेक्शन हो गया था, कुछ पानी जमा हो गया था, तो पानी निकाले मेरा। अच्छा। पानी निकालने के बाद नली। आप वो प्रॉपर्टी के मर्डर में कुछ इन्वॉल्व है, आपका नाम क्यों आया है? नहीं, हम है तो निज़ाम ट्रस्ट से सब अपॉइंट हुए हुए लोग है। अच्छा। हमारे पास बाज़ाब्ता उसका लेटर है। अच्छा। हमको निज़ाम ट्रस्ट ने वहाँ देख रेख करने के लिए अपॉइंट किए हुआ है। अच्छा। हम आप ये इंक्वायरी निज़ाम ट्रस्ट ऑफिस से भी पूछ सकते हैं, उनका फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, हर चीज़ है। अच्छा। हम वहाँ इंक्वायरी कर सकते हैं निज़ाम ट्रस्ट ऑफिस हैदराबाद। अच्छा, नाम क्या है उनका? निजाम ट्रस्ट जो आपको अपॉइंट किया जिसने? फैज खान साहब और फैज जंग साहब। अच्छा। कुछ और सोसाइटी कुछ मेंबर्स है पूरे। अच्छा। उनके लेटर हेड पे हमको अपॉइंट किया गया। अच्छा। अभी जो दिलशाद जहा जो मतलब अपने कुछ निजाम के पुत्रे बताते निजाम सरकार के, वो उनके फैमिली के होंगे लेकिन उनको प्रॉपर्टी के हद तक कोई राइट्स नहीं है। अच्छा। अगर कोई राइट्स है तो उन्होंने डॉक्यूमेंट पुलिस प्रशासन को CP साहब को शो करना। जिस दिन वहाँ पर हादसा हुआ उसके दूसरे दिन वहाँ पर हमने बाइट लिए, बाइट में उन्होंने बताया कि मेरे पास में उसके GPA कॉपी है। नहीं, बस शो करो ना, बताओ बोला ना GPA। अच्छा। खाली ये निज़ाम प्रॉपर्टी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का मालिक खाली मुकरम झा साहब है। अच्छा। जो तुर्की में रहते। अच्छा। उनके अलावा ये प्रॉपर्टी को कोई भी नहीं बेच सकता। अच्छा। तो उनकी साइन के बगैर कोई ये प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता। अभी आप पुलिस प्रशासन से क्या चाहते? बस मैं पुलिस प्रशासन से ये चाहता हूँ कि FIR लॉन्च करने से पहले पुलिस प्रशासन ने कुछ मालूमात लेना था, कुछ पूछताछ करना था, उसके बाद FIR लॉन्च करना था। और CP साहब से मेरी गुजारिश है कि जो FIR हुई है FIR गलत हुई, और ये FIR के ऊपर इंक्वायरी करना चाहिए, इंक्वायरी करके ये रिपोर्ट फिर से इन्होंने तैयार करना चाहिए।